नमस्कार साथियों कैसे हो कैसी चल रही है पढ़ाई सर्दी के साथ साथ पढ़ाई भी बड़ी ज़ोरों से चल रही होगी और चलिए इसी तैयारी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आ, आए हैं पीजीटी टीजीटी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ध्यान रखना क्योंकि ये महत्वपूर्ण तो प्रश्न है और इसमें जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं वो तो किसी में भी आ सकते हैं सामान्य व्याकरण में भी आ सकते हैं और जो हमारे साहित्यिक प्रश्न है वो हिंदी हिंदी टी जी टी और पी जी टी दोनों में आ सकते हैं तो देख लीजिए पहला प्रश्न है हमारा कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है आषाढ़ का एक दिन उन्हीं की है लहरों के राजहंस और राधे उस दूरे तीनों उनकी है तो कौन सी नहीं है उनकी उनकी रचना जो है वो कन्यादान नहीं है कन्यादान एक कविता है अगर कविता की बात करें तो वो ऋतुराज की है और कन्यादान एक निबंध भी है अगर निबंध की बात करें तो यह सरदार पूर्ण सिंह का है तो इसलिए कन्यादान मोहन राकेश की नहीं है आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखते हैं कवि प्रश्न नंबर दो कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी अध्यापक पूर्ण सिंह कुबेरनाथ राय तो कविता क्या है इस निबंध के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ए प्रश्न आए एक उत्तर आएगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए कविता क्या है निबंध में जो है इन्होंने आलोचनात्मक निबंध है कविता के बारे में बताया है उसके बाद अगला देख लीजिए निबंध निमनव्य व्यंग्यकार नहीं है यानी कि हमारे तीन लेखक ऐसे हैं जो व्यंग्यकार है और एक ऐसा है जो नहीं है रविंद्र त्यागी व्यंग्यकार है बिल्कुल व्यंग्य लेख है इनके लतीफ घोंगी ये भी व्यंग्यकार है हरिशंकर प्रसाई को तो हमने पढ़ा था नौमित हमारी पिछले जो लेखक परिचय करवाए थे उनमें था तो प्रेमचंद का फटा जूता इनका इकोनॉमी क्लास में है चैप्टर हरिशंकर प्रसाई जी का तो अगे है जो मनोवैज्ञानिक कथाकार है और ये प्रयोगवादी है तो इस प्रकार जो है हम आगे का नाम देंगे यहाँ पे उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्नोत्तर क्या है चौथा रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है ये इनके आत्मकथा का नाम है ये ऐसे भी याद कर लीजिए रा, राम रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी अपनी धरती अपने लोग अब ये कितने खंडों में विभाजित है यहाँ खंड पूछे गए हैं कितने खंडों में विभाजित है ये अब यदि खंड की बात करें तो ये तीन खंडों में विभाजित है बी ऑप्शन इनका इसका उत्तर रहेगा इन्होंने जो ना इसमें सारा कुछ बताया है कि किस प्रकार इनके आसपास का वातावरण और इस जो ना भारत में जो किस प्रकार की स्थिति है तो ये सारी चीज़ें अपनी आत्मकथा के माध्यम से इन्होंने बताई है उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा पाँचवा प्रश्न कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है आधुनिक लेखिका नासिरा शर्मा समा कौन ममता कालिया अनिता जैन तो इसकी लेखिका नासिरा शर्मा है नासिरा शर्मा ने लिखी है दूसरा ताजमहल उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा अगला क्या कहता है प्रश्न नंबर छः श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है यानी कि क्या है श्री राम शर्मा जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था श्री राम शर्मा इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने श्री राम शर्मा आपको याद हो तो याद करिए इन्होंने क्या दिया था क्या लिखा था सबसे पहले लेखक थे कुछ लिखने वाले नहीं आ रहा शिकार से संबंधित जो साहित्य था वो श्री राम शर्मा ने ही लिखा था रेखाचित्र संरणात्मक था जीवनी लेकिन बोलती प्रतिमा जो है वो इनकी रेखाचित्र है ए आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा इसका निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है यानी कि जीवनी नहीं है इसमें एक रचना ऐसी है जो जीवनी नहीं है चौरासी वैष्णव की वार्ता बसेरे से दूर भक्तमाल मालवीय जी के साथ तीस दिन अब ये बाकी जो सारी है ये तो जीवनियाँ हैं चौरासी वैष्णव की वार्ता चौरासी वैष्णव के बारे में है भक्तमाल ये भी जो है ना जीवनी है मालवीय जी के साथ तीस दिन ये भी चौरासी वैष्णव ये अब इनके लेखकों का नाम और याद कर लेते हैं देखते हैं आपने कितना दोहराया इनको अब ये चौरासी वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ स्वामी गोकुलनाथ की थी और भक्तमाल जो है वो किसकी थी नाभादास और मालवीय दास जी के साथ तीस दिन रामनरेश त्रिपाठी जी की ये रचना है अब आती है बात बसेरे से दूर ये क्या है बसेरे से दूसरे एक आत्म कथा है जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही रहेगा उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए डॉक्टर हरिवंश राय की कृति क्या भूलू क्या याद करूँ किस विधा में लिखी गई है एक प्रतिनिधि गद्य है संस्मरण है उपन्यास रेखा चित्र क्या भूलू क्या याद करूँ नीड का निर्माण इन्होंने तीन पार्टों में अपनी आत्मकथा लिखी थी तो ये आत्मकथा है इनकी डी ऑप्शन आ जाएगा क्या भूलू क्या याद करूँ उसके बाद अगला ऑप्शन देख लीजिए अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि उपेंद्र नाथ द्वारा रचित जो किस प्रकार का एकांकी है यानी कि जोग जो है ना उपेंद्र नाथ अस्क जी का एकांकी है किस प्रकार का प्रतीकात्मक सामाजिक व्यंग्य मनोवैज्ञानिक राजनीतिक व्यय ये एक सामाजिक व्यंग्य है समाज की जो है अलग अलग रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है इसमें उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा ग्यारहवा प्रश्न कहता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ हमें दोनों चीज़ें देखनी है प्रश्न दो पूछे गए हैं इसमें कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ कब 1826 में हुआ था और कहाँ से कलकत्ता से हुआ था अब साथियों एक बात आपको स्पष्ट कर देती हूँ इसमें अब कई बार ना ये आ जाता है यहाँ पर 1826 1826 तो दे दिया जाता है और महीने भी पूछ लिए जाते हैं तो इमर ये अठारह में तो प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था क्या था याद होगा आपको उदंत उदंत मारतन मारतंड ये नाम था पेपर का और ये जो था हमारा दिसंबर यानी कि दिसंबर अठारह को बंद भी हो गया था ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कई बार चालू हुआ था ये पूछ लिए जाते हैं या कई बार बंद हुआ था ये पूछ लिए जाते हैं तो या और पत्र का नाम तो आपको सबको पता ही होगा अगर हमने हिंदी पढ़ी है तो बिल्कुल इस पत्र को तो याद रखते ही हम उदंत तुमार कलकत्ता से निकलने वाला हिंदी का पहला एक की पत्र था ये सप्ताह में निकलता था एक बार अठारह मई अठारह में प्रकाशित हुआ था लेकिन सरकारी जो है ना दबाव के कारण या फिर आर्थिक अभाव के कारण जो है इसको दिसंबर सौ में बंद कर दिया गया था यह चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें एक दो तीन चार प्रश्न बन गए हैं चारों प्रश्न हमें याद रखने हैं उसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर बारह हमारा क्या कहता है दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा आदर्श है दंडी का जो इसमें है ना, उन्होंने शास्त्र के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया है तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तेरा तेरा प्रश्न क्या कहता है हैजित टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति गाठ दुर्जन ये दये यह रीति उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताइए अब दर गुर्जत टूटत कुटुंब आंखें जब उलझती है तो कुटुम्ब टूटते हैं आंखें उलझती है तो प्यार होता है कुटुंब कहाँ टूटते हैं जब ये क्या होता है जब असंगति बिठा दी जाए क्रिया और कार्य दोनों में असंगति होती है यानी कि क्रिया कुछ और हो रही है और तो कार्य कुछ और हो रहा है प्रभाव कुछ और हो रहा है अब दर उर्जत आँखें जब उलझती है तो प्रेम होता है ना कि घर कुटुंब टूटते हैं इसमें तो टूटत कुटुंब दिखा दिया है यहाँ पे तो ये क्या हो गया कार्य और कारण दोनों में जो है वो क्या दिखा दिया है यहाँ पे असंगति दिखा दी है जब इस प्रकार की बात होती है तो कौन अलंकार होता है असंगति अलंकार होता है उसके बाद अगला देखिए राम की गायें बहुत काली है वाक्य काली शब्द क्या है यहाँ पे दो चीजें समझा देती हूँ मैं आपको व्याकरण आपने पढ़ी होगी और देखा होगा राम की गायें काली है यानी कि क्या दिखाया इसमें राम की गायें बहुत काली है दिया है इसमें अगर हमारे से पूछा जाता बहुत तो तो ये होता पर विशेषण लेकिन यहाँ पूछा है काली क्या है काली पूछा है तो गाय की विशेषता क्या है काली होना तो इसलिए विशेषण आजगा अगर बहुत पूछ लिया विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो फिर हमारा होता पर विशेषण होता है ध्यान रखना हमें उसके बाद आगे बढ़िए ये वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में शब्दार्थों सहित सहितम काव्यम परिभाषा किन के द्वारा दी गई है आचार्य की ये है शब्दार्थों सहितम काव्य ये सी ऑप्शन रहेगा हमारा इसका सी ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आगे बढ़िए सोलवा प्रश्न क्या कहता है दृश्य काव्य की विधा है दृश्य काव्य की विधा मतलब इन सारी जो विधाएँ हैं वो एक विधा ऐसी है जो सिर्फ दृश्य के लिए बनी है दृश्य काव्य वैसे तो गीति काव्य जो है ये भी आ जाएगा उपन्यास निबंध सारे पढ़ने वाले हैं निबंध को तो हम नहीं नाटक एक ऐसा है जिसको हम दृश्य काव्य कह सकते हैं या गीति नाटक भी कह सकते थे इसको नाटक गीति नाटक भी बोलते हैं सीधा नाटक दिया गया है इसलिए प्रश्न थोड़ा संशय रहा है गीति काव्य की जगह अगर गीति नाटक होता तो ज़्यादा उपयुक्त होता है क्योंकि यहाँ काव्य पूछा गया है और यहाँ सिर्फ नाटक पूछा गया है तो गीति नाट्य जो होती है वो दृश्य काव्य की विधा है क्योंकि नाटक मंच के लिए बनाया जाता है तो इसलिए वैसे तो पूर्ण रूप से इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है लेकिन फिर भी अगर आंसर के आसपास जाना चाहे तो यही सही रहेगा ए इसका उसके बाद अगला देख लीजिए द्विगु के उदाहरण दीजिए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था द्विगु समाज है क्या द्विगु समाज पहला पद द्वि मतलब दो, दो क्या है दो संख्या है ये देखिए कि जिसका पहला पद पद संख्यावाचक होता है और बाकी पद उसका स, जो ना न, यानि कि समाहार या समूह का आभास दिलाता है तो उसको हम कहते हैं, का समाहार ये हम इसका विग्रह करते हैं तो ये आएगा तो यहाँ क्या हो गया हमारा सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा प्रश्न क्या कहता है ये प्रश्न कहता है दुष्प्रकृति शब्द का संधि दुष्प्रकृति अब प्रकृति तो ठीक है दुष दू दू के विसर्ग लगाए ये हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा ये विसर्ग जो है विसर्ग के बाद यदि जो है कैसे मैं तक के अलग अलग जो पहला दूसरा वर्ण आ जाए तो वो जो है उसी के पै ख आ जाए तो वो शय में परिवर्तित हो जाता है कैफ आ जाए तो वो शय में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार का नियम हमारे संधि के उस नियमों के अनुसार ये संधि की वीडियो मैंने बहुत तो अच्छे से समझा रखी है संधि अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल डिटेल में समझा रखिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो संधि को विस्तार पूर्वक तीनों संधियाँ समझाई गई है उसमें तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं इससे पहले उम्मीद है आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा क्योंकि ये प्रश्न उत्तर सिर्फ हमारे तक सीमित ना रहे हमारे दूसरे जो तैयारी करने वाले हैं उनके भी काम आए जो भी आपके संपर्क में उनके पास ज़रूर भेजिए क्योंकि तो यदि आप लाइक और शेयर करते हो तभी तो हौसला बढ़ता है और आप बिल्कुल हौसला बढ़ा रहे हो आपके कमेंट्स देख के जो है ना हृदय गदगद हो जाता है और फिर एक नई स्फूर्ति के साथ मैं एक वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो और हम आगे बढ़ें चलिए आइए देखते हैं हम उन्नीसवा प्रश्न हमारा क्या कहता है उन्नीसवां प्रश्न कहता है जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है जहाँ बिना ही कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है कारण तो कोई और हो और कार्य कोई और हो यानी कि क्या होता है इसमें हम एक पंक्ति एक आया था पीछे से हमारा बिनू पग चले सुनई बिनु का ना कुछ ऐसा था ये दीपक नहीं है तो हम चलेंगे कहाँ से और कान नहीं है तो सुनेंगे कहाँ से जब बिना ही कारण के कार्य हो जाए ऐसे होता है कवि की कल्पना है कवि तो गुंगे को बुला दे अंधे को दिखा दे कुछ भी कर सकता है जब इस प्रकार का काव्य में कवि प्रयोग करता है तब विभावना अलंकार होता है ए ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला बढ़िए देखिए ये अलंकार जो ना मैंने बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं इनका भी एक मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप अलंकार का वीडियो देख सकते हो बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है वहां जितने, जितने इंपॉर्टेंट अलंकार हैं उनकी उसके बाद अगला प्रश्न आएगा हमारा अगला देख लेते हैं क्या है वो पर वारो उर्बसी सुरी के सुजान तू मोहन की उर्बसी कई हवे उर्बसी सुजान उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है अगर आपको इसकी टूटी फूटी थोड़ी सी भी अगर हिंदी करनी आती है तो तो पारो उर्वशी तुम्हारे पे उर्वशी नौछावर करने का हृदय उर्व मतलब बस तो मतलब उर, मतलब में बसी तो उर्वशी उर्वशी दोनों के जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं जब एक ही बात के दो अर्थ निकले तो क्या होता है अलग अलग आ, बार आए एक ही के दो नहीं निकले अलग बार आए एक शब्द और हर बार नया अर्थ देखे जाए तो हमारा शब्द अलंकार है और वो कौन सा अलंकार है यमक अलंकार होता है उसके बाद आगे बढ़िए अगला कौन सा क्या कहता है प्रति प्लस आरोपण क्या होगा अब देखिए प्रति में यदि हम ई निकाल दे तो ई क्या बन जाएगा हमारा ई बन जाएगा ये और आ लगा के या बन जाएगा रोपण प्रत्यारोपण हो जाएगा ये प्रत्यारोपण हो गया हमारी ये स्वर संधि आगी उसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न क्या है दैत्य प्लस अरि इसमें दैत्यारी एक उदाहरण है व्यंजन संधि का स्वर ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है जब दोनों तरफ है आ गया यानी कि स्वर प्लस स्वर तो क्या होगी स्वर संधि होगी ये कौन सी संधि हमारी ये पहली यानी कि दीर्घ संधि है स्वर संधि का पहला उदाहरण उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कह पी की संधि क्या होगी कपी कह इसकी जगह जो है हमारा एक ये ए का ये सिंबल आता है संस्कृत में और हिंदी में भी इसी का प्रयोग होता है तो को हो जाएगी यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा इसका उसके बाद देख लीजिए 24वां प्रश्न क्या कहता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है यानी कि यह माना जाता है कि देवनागरी सबसे पहले वहाँ पे जो है वो मान्य हुई थी या वहां देवनागरी लिपि को सबसे मैंने मांगा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान या गुजरात गुजरात में जो है वो देवनागरी को सबसे पहले माना गया था तो इसका ऑप्शन गुजरात आएगा महात्मा गांधी जी ने गुजरात में कई आंदोलन चलाए थे देवनागरी लिपि से संबंधित उसके बाद निम्नलिखित में से या घोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है ए घोष अब यहाँ पर घोष और एघोष दोनों की बात कर लेते हैं एघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है प्रत्येक वर्ण की जो ध्वनि जो है पहली और दूसरी यानी कि एघोष होती है एघोष कौन सी है पहली तीसरी और पाँचवीं अल्पप्राण और एघोष जो है वो पहली और दूसरी यानि कि पहली और दूसरी तो क्या होती है एघोष होती है ठीक है और तीसरी चौथी और पांचवी इसको क्या कहते हैं घोष या सह घोष कहते हैं प्रत्येक वर्ण की कवरग चवरग तवरग तवरग पवरग प्रत्येक वर्ग की जो है पहली और दूसरी घोष है, है तीसरी चौथी पांचवी घोष है एक तो ये चीज ध्यान रखो आप एक अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं हम इसी में आगे आ जाएगा हमारा अल्प प्राण ध्वनिया कौन सी है अब अल्प प्राण और महाप्राण कौन सी होती है यदि हम देखें तो अल्प प्राण ध्वनि होती है हमारी पहली तीसरी और पांचवी यानी कि पहली पहला वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा, ये तो आते हैं हमारे अल्पप्राण में यानी कि इसमें और महाप्राण में कौन से आगे दो बच गए यानी कि दो दूनी चार सम और विषम संख्याएं ऐसे करके कर आप इसको याद कर सकते हो सम और विषम संख्याएं ये तो होती है हमारी सम संख्याएं हैं वो तो होती है क्या महाप्राण दो चार एक तीन पाँच ये होती है अल्प प्राण एक तीन पाँच कौन सी है क ख को छोड़ दो फिर ग फिर घाय को छोड़ दो फिर डाय ये तीनों जो है अल्प्राणी में वायु थोड़ी बार निकलती है बोल के देखिए आपको पता लग जाएगा ख में ज़्यादा निक, निकलती है और घोस है घोष में थोड़ा सा परिवर्तन है वो पहली दूसरी आय घोस होती है और बाकी जो होती है वो सोश यानी कि घोष होती है तीन तो ये ध्यान देना है अब देखना हमें यहाँ कौन सी है अब देखिए पहली जो है वो क्या कै और तय दोनों पहली आई है तो पहली कौन सी है हमारी यहां कौन सी पूछी है घोष धवनिया पूछी है तो पहली और ये दोनों ऐस है तो इसका डी ऑप्शन रहेगा उसके बाद आगे बढ़िए छब्बीसवां प्रश्न क्या कहता है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमी लि, रोमन लिपि स्वीकारने का सुझाव दिया था अब यहाँ पर जितने दे रखे सारे भाषाओं से जुड़े हुए सुनीति कुमार चटर्जी महात्मा गांधी का 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 कर, विनोवा भावे तो जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है तो विनोवा भावे जी ने दिया वैसे मैं इस प्रश्न पे कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन ये जो है इसलिए इसको छोड़ देते हैं डाउटफुल पर्सन है मेरे लिए भी तो इसको छोड़ देते हैं अगले पे देख लीजिए स्ताइसवां प्रश्न क्या कहता है कंची किस भाषा का शब्द है कंची से देखिए हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द अरबी फारसी तुर्की दूसरी भाषाओं के हैं जैसे मान लो रिक्शा शब्द है रिक्शा शब्द जो जापानी भाषा का है तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द अलग अलग, अलग भाषाओं के हैं तो यहाँ पर कैंची शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है किसका है तुर्की भाषा का शब्द है कैंची उसके बाद आगे बढ़िए भाषा के संबंध में असत्य कौन सा है यानी कि कौन सा एक बात है जो असत्य है यहाँ पे भाषा सामाजिक संपत्ति है बिल्कुल है भाषा परिवर्तन से यह भी बिल्कुल है भाषा अनुकरण सादृश्य है बिल्कुल है अनुकरण सादृश्य है कैसे हैं यदि हम पैडागोजी में पढ़ेंगे या साइकोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं जो छोटे बच्चे की वो बताई जाती है विकास की प्रक्रियाएँ उसमें यह दिया जाता है कि बच्चा कहाँ से अब मान लो एक बच्चे को जंगल में छोड़ दो और जहाँ की भाषा जो है वो पता नहीं है क्या है और वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा वो जानवरों जैसी ही जो आवाजें निकालने लग जाएगा तो बिल्कुल अनुकरण सादृश्य है अनुकरण से सीखता है तो भाषा पैतृक ये गलत है पैतृक संपत्ति भाषा नहीं है उसके बाद अगला देख लीजिए उनतीसवां प्रश्न क्या कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 उनतीस नवंबर उन्नीस को तिरपन को बैठक की अध्यक्षता किसने की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने नहीं उन्नीस में कौन थे हमारे उपराष्ट्रपति उस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी यानी कि बी ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देखिए अगला प्रश्न देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ये लिपि का मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है चैप्टर देवनागरी लिपि कैसे निकली और कहा से निकली ब्रह्म लिपि से जो है इसका विकास माना जाता है मूल इसका ब्रह्म लिपि से है उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है सूची एक और दो के साथ सही से मूलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम क्योंकि हमें सूचियां भी चाहिए नीचे से अब क्या कहता है सूची एक संकल्प तद्भव शब्द है पहला जो है दूसरा सूरज देसी है काका तत्सम है और मोटर विदेशी है अब पहला अगर ए देखें तो तद्भव शब्द है ठीक है अगर बी देखें यहाँ पे तो क्या है दूसरा देसी नहीं काका ये भी नहीं तो अब देखते हैं संकल्प जो है ये देखिए ये, देखें, ये हमारा तीसरा ऑप्शन आ गया पहला का तीसरा तत्सम शब्द है संकल्प है। अगर आप करके देखो तो तत्सम यानी कि संस्कृत से जो का तो जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं तो ये संकल्प क्या है हमारा ये आ जाएगा तत्सम शब्द है फिर आ जाएगा सूरज सूरज तद्भव सूर्य सूर्य से क्या बना सूरज बना ये तद्भव शब्द है जो संस्कृत से बिगड़ के हिंदी में बनते हैं उसके बाद फिर काका काका क्या है हमारा काका देसी यह काका देसी शब्द है बिल्कुल है और मोटर विदेशी है यानी कि मोटर विदेशी ये मोटर जो है मोटर गाड़ी ये गाड़ी तो शंकर शब्द हो जाता है अगर मोटर के साथ गाड़ी मोटर जो है वह विदेशी शब्द है तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इसका उपयुक्त रहेगा उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है बत्तीसवां पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है यानी कि इनमें से अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी की है एक जो है हमारी भोजपुरी वो है पूर्वी हिंदी की नहीं है एक किसकी है भोजपुरी बिहारी हिंदी की है उसके बाद तैतीसवां प्रश्न ले लीजिए हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है हेमचंद्र कांता प्रसाद गुरु किशोरी दास वाजपेयी किशोरीदास वाजपेयी जी हिंदी शब्दानुशासन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से याद कर लो बहुत बार पेपर में आ जाता है ये तो किशोरीदास वाजपेयी जो है इसके लेखक का नाम है उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए चौंतीसवां भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है यानी कि इनमें से कौन सी पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित है अब वागर्थ जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए ये पत्रिका निकली थी वागर्थ कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका का नाम वागर्थ है उसके बाद अगला देख लीजिए अजायब घर है देसी शब्द विदेशी शब्द तद्भव शंकर शब्द अब अजायब घर जो ना ये इसमें जो लाल दिया हुआ इस पे मत जाइए आप ये गलत है लाल विदेशी शब्द देशी शब्द जो हमारे देश स्थानीय शब्द होते हैं विदेशी दूसरी भाषाओं के होते हैं तद्भव जो संस्कृत से बिगड़ बिगड़ के हिंदी में आते हैं और शंकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बना है अब यहाँ पर दो भाषाएं कौन सी है देखिए एक तो अजायब है यहाँ पे एजा यह देखिए ये ए जा बे ये है ठीक है और प्लस क्या मिला इसमें घर अब ये दोनों संकर शब्द कौन से होते हैं जिसमें दो भाषाओं का मिश्रण हो उनको हम संकर शब्द कहते हैं अब अजायब जो हमारा जो ये शब्द है ये किस भाषा का है ये हमें थोड़ा सा देखना आपको पढ़ने में नहीं लग रहा जैसे तो जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अरबी फारसी का हो या तुर्की का हो कुछ तो ये पढ़ने से भी हमें पता लग रहा है ये शब्द जो है वो अरबी भाषा का है अजायब और घर किसका है घर हिंदी का है तो दो भाषाओं का मेल जहां हो जाता है वहां कौन सा शब्द बनता है संकर शब्द बनता है तो इसका उत्तर हमारा डी रहेगा ना कि ये जो न विदेशी शब्द विदेशी शब्द नहीं है ये ध्यान रखना आप डी आएगा उसके बाद अगला देख लीजिए छ छत्तीसवा प्रश्न निम्नलिखित में से कंठ ध्वनिया कौन सी है कंठ मैंने बड़े अच्छे से इसका उच्चारण का एक वर्ण व्यवस्था का एक पाठ करवाया था मैंने बड़ी डिक्टेट करके अच्छे से जो है ना उसको समझाया हुआ है वर्ण व्यवस्था को उसमें आपको एक बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि आप कैसे पहचान करोगे वर्णों की तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो कंठ से लेके और जो ना औष की बात करते हैं हम स्पर्श ध्वनियों को पहचानना बहुत ही आसान है तो यहाँ क ख जो है वो कंठ ध्वनिया क्या है क ख कंठ ध्वनिया है तो ए ऑप्शन रहेगा इसका अब इसकी बात करें हम चय जय ये जो है सपर संघर्षी भी कहते हैं इनको टय ये जो है मूर्धन्य है यह ये ये जो है वो तालव्य में भी आता है र जो है वो लूठी ये इस प्रकार जो है मैंने उसमें बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि उसको कैसे करना है कैसे पहचानोगे बड़ी एक ट्रिक के साथ तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा कैक और खै कंठे ध्वनिया है उसके बाद अगला देख लीजिए अगला शब्द क्या कहता है अगला कहता है कि पंकज शब्द जो है हमारा वो निम्न में से किससे संबंधित है रूढ़ शब्द है यौगिक है योग रूढ़ इनमें से कोई आपने व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें तीन प्रकार के शब्द होते हैं रूढ़ यौगिक और रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी के लिए निश्चित कर दिए होते हैं निश्चित मीन जैसे हम कहते हैं मेज का मतलब मेज ही होगा कुर्सी का मतलब कुर्सी होगा आलू कहेंगे तो आलू ही होगा इस प्रकार केला कहेंगे तो केला ही होगा वो मतलब वो उनको कहते हैं रूढ़ वो एक की पहचान दिलाते हैं जब हम उस शब्द को कहते हैं कोई संशय की रहती नहीं है हम सड़क कहेंगे तो सड़क का मतलब कि हम पानी कहेंगे तो पानी का मतलब तो पानी ये सारे शब्द होते हैं रूढ़ यौगिक शब्द क्या होते हैं जो दो शब्दों के मेल से मिल बनते हैं और जो आभास दिलाते हैं कि जैसे हम कहते हैं क्या रेलगाड़ी कही हमने या हमने कहा प्रधानमंत्री इस प्रकार के पाठशाला इस प्रकार के जो शब्द दो होते हैं लेकिन वो एक का ही आभास दिलाते हैं उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द वो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो पदों से मिलकर बने हैं लेकिन वो किसी के लिए निश्चित हो गए हैं जैसे हमने कहा पंकज हमने कहा जलद हमने कहा वारिद तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं ये योग रूढ़ शब्द होते हैं ये किसी के लिए निश्चित कर दिए गए हैं अब पंकज मतलब मतलब वैसे तो पंक जै, जै मतलब पंक तो जय का जन्मा जन्मा में में बहुत कुछ जन्मता है लेकिन वो किसके लिए निश्चित हो गया है वो कमल के फूल के लिए निश्चित हो गया है इसलिए वो क्या हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है अब ये मैंने पहले भी एक बार ये प्रश्न आ था और मैंने बड़े अच्छे डिटेल से समझा था एक बार फिर बता देती हूँ हमारी जो ना राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी लिपि होगी ये बात जितने भी भाषाएं हैं जिनको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं राष्ट्रभाषा इस समय वर्तमान में बाईस है राष्ट्रभाषा मतलब तो जो संविधान के अंदर रखी गई है जिनको राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है वो है बाईस भाषाएं अब देखिए तीन अनुच्छेद से लेके तीन से लेके तीन सौ इक्यावन अनुच्छेद तक जो भी है हमारे जितने आर्टिकल हैं हमारे हिंदी के उसमें से ना सॉरी हिंदी के नहीं हमारे संविधान के तीन सौ तिरतालीस से तीन सौ इक्यावन तक में भाषाओं की बात ही है भाई प्रथम भाषा कौन सी होगी दूसरी कौन सी होगी फलाने की क्या किसकी होगी किस राज्य की क्या होगी वहाँ पर क्या मान्यता होगी हिंदी कब हमारी जो है ना वो राजभाषा बन जाएगी हिंदी के साथ साथ और कौन सी भाषा रहेगी सारा कुछ विस्तार पूर्व दिया गया है तो ये हिंदी को जो है तीन के अनुच्छेद अनुच्छेद के अंतर माना गया है तो तीन आएगा इसका ऑप्शन और सूची कौन सी है हमारा जो ना पूरा संविधान है वो बारह अनुसूचियों में बटा हुआ है तो ये कौन सी सूची में है आठवीं अनुसूची में जो है दिया गया है ये ए ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या कहता है यदि ए आई और ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए यानी कि इधर तो हो हमारा ए आई और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए ए के बाद या ओ, ओ के बाद इसके स्थान पर क्रमशः क्रमश ऐ आव यह संधि कौन सी है यह स्वर संधि हमारी बिल्कुल अयादि संधि है देखिए हमें मान लो पवन की संधि विच्छेद करनी है तो हम कैसे करेंगे इसको देखिए पो प्लस अन अब यहाँ पो जो था वो किसमें बदल गया पै हमारा आधा रह गया पो किस में बदल गया औ में बदल गया तो पे हमारा क्या हो गया पूरा हो गया पै और ओ अव में बदला तो वह आधा रह गया और वह में जब वह मिलाएंगे हम तो वह हमारा पूरा हो जाएगा यानी कि पवन इस प्रकार करके हमारी संधि बनेगी तो ये हमारी कौन सी संधि है अदी संधि है डी ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए चालीसवा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम रूप है अंधकार अंधियारा अंधेरा रात अंधियारा अंधेरा अंधकार अंधकार जो है वो तत्सम रूप है हमें देखना है क्या अंधेरा तद्भव है तो अंधकार आएगा इसका ए ऑप्शन रहेगा चालीसवे का उसके बाद अगला देख लीजिए इकतालीसवां प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है स्त्रीलिंग नहीं है पुलिंग देखना हमें कौन सा इसमें ये नहीं वाले प्रश्न जो है ना बड़े खतरनाक होते हैं भाई इनको थोड़ा ध्यान से देखिए पानी पी लिया क्या है मानी उसने मेरी बात नहीं मानी मेरी उसने कहानी सुनी रानी गई तो अब आप इनके साथ क्रिया लगा लगा के देखोगे तो आपने देखा मानी के साथ भी स्त्रीलिंग आया है कहानी के साथ भी स्त्रीलिंग आया है और रानी के साथ भी स्त्रीलिंग आया है तो पानी के साथ स्त्रीलिंग नहीं है तो ए पानी आएगा जो भी निर्जीव चीजें हैं उनके साथ हम कोई भी चीज लगा के क्रिया लगा के देख सकते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि वो कौन सी स्त्रीलिंग है और कौन सी पुलिंग है सही उगम पहचानिए काली काले टोपी काली टोपी होती है तो ये गलत है सुनहरी पत्ता सुनहरी पत्ता सुनहरा आएगा ये भी गलत है दुबला पतला लड़का हाँ ये ठीक है बिल्कुल उड़ता हुआ उड़ती हुई चिड़िया ये भी गलत है तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए निम्नलिखित में दे पुलिंग शब्द कौन सा है अब मजा आया अब देखिए हम सोचते हैं स्त्रीलिंग पुलिंग में क्या याद करने वाली है समझने वाली चीज़ है ये याद करने वाली नहीं है मजा सजा कजा रजा अब इसमें हमें क्या देखना पूजी ये कहते हैं मजा आ गया सजा मिल गई कजा हो गई रजा मिली है तो ये में स्त्रीलिंग लगता है पुलिंग किस में मजा आ गया यानी कि एक इस तरह देखिए क्रिया लगा के देखिए अगर ऐसे देखोगे तो आपको जल्दी स्पष्ट हो जाएगी ये चीजें उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेष ये विश्लेषण नहीं है भाई ध्यान रखना है विशेषण है विशेषण विश्लेषण गलत कर दिया यहाँ पे विशेषण आएगा ये विशेषण लिखना है हमें युक्त वाक्य कौन सा है मैं कल नहीं जाऊंगा ये फूल सुंदर है लड़का रोते रोते सो गया आज शाम को बताना अगर क्रिया की विशेषता क्या है कोई विशेष चीज क्रिया के साथ हो तो यहाँ जो है ना लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया क्या थी घर पहुंचना और उसकी विशेषता क्या थी रोते रोते तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन रहेगा इसका क्रिया विशेषण उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है मैं भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द क्या है अब भला जो है यहाँ पर संज्ञा नहीं है सर्वनाम नहीं है और विशेषण नहीं है भला को आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करके देखो है जो का तो रहेगा यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जो शब्द जो के तो रहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता वो क्या होते हैं हमारे अव्यय होते हैं अव्य यानी कि जो खर्च ना हो उसको कहते हैं अव्यय प्लस वे यानी कि जो ना खर्च होने वाले है, तो इसलिए डी ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए हमें तत्सम शब्द देखना है पड़ोसी गोधूम बहु और शहीद अब यहाँ पर गोधूम जो है प्रश्न नंबर छियालीस गोधूम क्या है ये है हमारा तत्सम शब्द गोधूम अब यहाँ बहु वधू का बना है और ये तद्भव है और शहीद जो है ये शहीद शब्द हमारा किसका है ये भी अरबी भाषा का है तो ये भी नहीं है तो इस प्रकार जो है हमारे ये क्या लगा इसका ऑप्शन भी आएगा तो उसके बाद आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर सैतालीस क्या कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए हमें तद्भव देखना तद्भव कौन सा होता है जो है तो संस्कृत का लेकिन परिवर्तन होके हिंदी में आया है बैंक मर्म प्रलाप अब बैंक तो विदेशी है टेक्निकल शब्द है बैंक तो हमारा मर्म तद तत्सम है और प्रलाप भी तत्सम है मुंह है जो है वो संस्कृत में क्या है मुख इससे बना है मुंह है तो हमारा तद्भव शब्द भी रहेगा बी यानी कि मुंह है उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा सुख दुख के बीच लगने वाला यह चिन्ह क्या कहलाता है निर्देशक नहीं निर्देशक चिन्ह तो जो है वो इस प्रकार लगता है योजक चिन्ह कहलाता है विवरण भी अलग होता है ये निर्देशक बड़ी रेखिका होती है और ये विवरण होता है उल्टा बता दिया मैंने और अपूर्ण आपुर, अपूर्ण विराम जो है वो भी अलग होता है तो योजक चिन्ह है छोटी रेखिका जो दो के बीच में आती है एक दूसरे का योजक कहलाती है योजक चिन्ह कहते हैं इसको उसके बाद उनचासवा उन, उन, उन देख लीजिए निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है यानी कि एक शब्द ऐसा है जो बिना उपसर्ग का है मिलान सुपुत्र सुपुत्र में सु उपसर्ग अः धर्म में ये देखिए इसमें सु हो गया इसमें ऐ गया इसमें सु हो गया मिलान में जो है आप क्या करोगे मिल प्लस आन यानी कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो ये जो है हमारा उपसर्ग वाला नहीं है उसके बाद अगला देख लीजिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यानी कि कामदेव का पर्यायवाची सरोज तो किसका है सरोज फूल का है उरोज पाथोज सब अलग अलग है मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है मनोज भी कहते हैं कामदेव को अगला देख लीजिए निम्नलिखित यौगिक शब्द छांटिए दशानन परोपकार चतुर्मुख गोपाल यौगिक शब्द साठ रहा है हमें दशानंद तो योग रूढ़ है और चतुर्मुख भी है गोपाल भी है सारे जो है वो क्या है योग रूढ़ है किसी के लिए निश्चित हो गए हैं और परोपकार जो है ना पर प्लस उपकार ये दो से मिलकर बना है जिसको हम कहेंगे यौगिक सामान्य शब्द है ये दो से मिलकर बना हुआ ये यौगिक शब्द कहलाता है उसके बाद अगला देख लीजिए मिमन में अशुद्ध वाक्य चुनिए पुस्तक मेज पर रखी है अः अशुद्ध वाक्य बताइए पुस्तक मेज पर रखिए सही है यह मेरे सपनों का है यह भी ठीक है कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी ठीक है कच्चे तेल की कीमत घट गया है घट गई है कीमत अगर कीमत आ गई यहाँ पे तो कीमत जो है वो घट गई है आएगा गया नहीं आएगा ये हमारा क्या रहेगा अशुद्ध वाक्य हो गया उसके बाद अगला देख लीजिए तिरपनवा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है अरविंद सतदल सरसी सारे कमल के हैं अमीय जो है वो किसका है अमृत का है अमीय सुधा पीयूष अमी ये सारे अमृत के जो है पर्याय होते तो अमीय किसका आ जाएगा अमृत का आ जाएगा ये हमारा ऑप्शन इसमें सही नहीं है उसके बाद अगला देख लीजिए आंसू शब्द क्या है अब यहाँ पर पूछा है तत्सम तद तद्भव देश विदेश पूछ लिया चलो जी अश्रु से आंसू बना है तद्भव शब्द है ये तो ठीक है कई बार वचन भी पूछ लिया जाता है आंसू शब्द में कौन सा वचन है तो कौन सा वचन है बताइए आपने अगर इसको वचनों को पढ़ रखा हो तो देखिये हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा एक वचन में होती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा बहुवचन में आएगी तो आंसू भी कुछ इसी प्रकार का है आंसू शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में आता है कभी भी एक वचन में नहीं आता है ये भी ध्यान रखना आप जैसे बाल है बाल भी हम कभी एक वचन में नहीं आता बाल अभी बहुवचन में आएगा तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं कभी भी एक वचन में नहीं आते उसके बाद अगला देख लीजिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए हमें शुद्ध वर्तनी देखें कुमुदनी कुमुदिनी कुमुदुनी कुमुदिनी होता है बिल्कुल शीश सही है इसका उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या कहे गंगा का एक नाम है गंगा का एक नाम यह भी है इनमें से जो दिया गया है क्या है हंस सुता सुरसर सुर धेनुमति अब यहाँ पर सुरसर नहीं हो है और हंस सुता भी नहीं विष्णुपदी बिल्कुल विष्णुपदी कहते हैं गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए निशित का उपयुक्त अर्थ है निशित का मतलब होता है शून्य काल यानी कि जब काल हो उसको हम क्या कहते हैं निशित कहते हैं उसको और काल कब होता है ये तो आपको पता होगा एक बार दिन में भी काल होता है और एक बार रात में भी काल होता है बारह बजे से तीन बजे तक का जो समय होता है उसको हम काल कहते हैं तो अर्ध रात्रि का समय आएगा ये हमारा ए अर्धरात्रि होती बारह से तीन अब इसमें समय तो दिया नहीं हो आधी रात से चालू होता है तो इसलिए हम इसी को मान लेंगे संध्या नहीं होता और प्रांत का भी नहीं होता या इसमें से सभी तो बिल्कुल नहीं होते तो इसका जो ऑप्शन है वो यही रहेगा जो रात्रि का जो समय होता है हमारा बारह बजे से और तीन बजे तक का समय होता है उसको निशित काल कहते हैं कहते हैं कि वो ऐसा समय होता है जब शून्य काल होता है उसमें सारी वैसे मान्यता है कि सारी ऐसी ताकतें सक्रिय हो जाती है जो क्या होती है नेगेटिव होती है तो बाकी पता नहीं क्या होता है उसके बाद चलिए आगे क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अठावनवा इनमें से जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द बताइए जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं बिल्कुल इंद्रियों पर काबू पाने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं जो न किसी पर भी किसी से भी पराजित ना हो उसको अजय कहते हैं और जलचर जो जल में चलने वाला है उसको जलचर कहते हैं तो जिज्ञासु हो जाएगा डी आ जाएगा इसका उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा फिफ्टी नाइन क्या कहता है स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा स्फूर्ति का तद्भव स्फूर्ति तो तत्सम शब्द है और इसको स्फूर्ति का तत्व शब्द फूर्ति करेंगे हम यानी कि फूर्ति उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में, में से किस शब्द में उपसर्ग है यानी कि एक शब्द ऐसा है जो उपसर्ग वाला है वो शब्द कौन सा है देख लीजिए कौन सा है दशक पराजय लालिमा कारीगर अब उपसर्ग जो है वो किस में है कारी प्लस गर लालिमा लाल प्लस ईमा इसमें भी प्रत्यय है दशक दस प्लस कैप इसमें प्रत्यय परा पर ये जो है हमारा क्या है उपसर्ग पराजय में पर प्लस अजय पराजय बन जाएगा उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या कहता है आचार का विलोम क्या होगा आचार जो है वो क्या होता है चरित्र को कहते हैं आचार तो आचार का विलोम अनाचार होगा ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आचार अनाचार नहीं होता अनाचार होता है और विचार ये बाकी तो नहीं है इकसटवें का उसके बाद अगला बासठवाँ प्रश्न देख लीजिए बासठवाँ क्या कहता है भई गति सांप से सुंदर केरी यानी कि साफ सुंदर जैसी स्थिति हो गई लोकोक्ति का अर्थ क्या है सांप और सुंदर जैसी के मतलब क्या होता है जब दोनों लड़ते हैं तो ना तो खाते बनते और ना वो छोड़ते बनते तो ऐसी स्थिति होती है कि क्या करें छोड़ दें या इसको मार दें तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं साफ सुंदर जैसी स्थिति यानी कि दूध धामे पड़ जाना बिल्कुल ठीक है इसका उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए नौ दिन चले अढ़ाई कोस आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हम थोड़ा सा अंदाजा थोड़ा सा ध्यान से चिंतन मनन करे तो अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है नौ दिन चले नौ दिन चले और सिर्फ कितना चले ढाई कोस तो क्या है परिश्रम तो खूब करा लेकिन उसका फल क्या मिला उसका फल थोड़ा मिला तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए शैतान की आंत का अर्थ क्या है शैतान शैतान मतलब बड़ा छोटा कितना भी हो जाए जो शैतान ही हो गया तो तो इसमें अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं आएगा नगण्य वस्तु भी नहीं बहुत लंबी वस्तु को कहते हैं हम शैतान की आंत होना यानी कि सी ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए पैंसठवां क्या रहेगा उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है यानी कि जादू वही जो चढ़ बोले बिल्कुल सही चमत्कार को नमस्कार राधा तितराधा राधा भी नहीं है इसमें से यही आएगा सी ऑप्शन जो है हमारा रहेगा क्या कि जादू वही जो चढ़ बोले उसके बाद अगला देख लीजिए भवभूति का मूल नाम क्या था भव ये देखिए बहुत सारे हमारे पहले इतहा ये चलन था जितने भी लेखक कवि होते थे वो अपने दूसरे दूसरे नाम से लिखते थे तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था उन्होंने जो लिखना आरंभ किया संस्कृत के बहुत बड़े जो है हमारे ये कवि हुए हैं भवभूति तो इन्होंने श्रीकंठ नाम था इनका मूल और भवभूति के नाम से विख्यात हुए ये उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न सड़सठवा प्रश्न निष्फल न होने वाला कहलाता है निष्फल जो भी जो बिल्कुल निशाने पे लगे वो निष्फल निश्चित नहीं है सही नहीं दे है और सटीक भी नहीं है जो निष्फल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम अमोघ कहेंगे यानी कि कभी भी वो असफल होकर नहीं आएगा जैसे नहीं कहते अमोघ स्तर है, है यानी कि वो चलेगा ही चलेगा तो उसको कहेंगे हम अमोघ उसके बाद है भवभूति की रचना का नाम बताइए उत्तर रामचरितम उत्तर रामायण रामचरित हर्ष रीतम उनकी रचना का नाम पहला ही है ये ऑप्शन आएगा अड़सठवाँ हमारा उसके बाद अगला देख लीजिए उन उनहत्तरवा हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं संस्कृत में अनुवाद कीजिए अब देखिए वैसे तो हिंदी में हमारे हरियाणा में तो ऐसे पूछे नहीं जाते लेकिन पूछ लिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई हम महान राष्ट्र के नागरिक है वह भारत राष्ट्र से नागरिक आसम है तो वह महान राष्ट्र से नागरिक आसम हाँ महान मतलब महत्व है ठीक थी, है डी ऑप्शन रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या है सत्रवा प्रश्न हस्तक हस्ताक्षेप हस्तक नहीं है हस्ताक्षेप है का शुद्ध क्या होगा तो हस्तक्षेप होगा बिल्कुल ये सही है ये तो आसान सा प्रश्न है उसके बाद अगला देख लीजिए सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं शंकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया था अब हमारे जितने भी यहाँ पर है उन्होंने सब ने अलग अलग सिद्धांत दिए है भटनायक अभिनव गुप्त लोलठ सब ने दिए लोलट का उत्पत्तिवाद था अभिनव गुप्त ने साधारण का दिया और जो ना भटनायक ने जो है हमारा अभिन्यवाद दिया तो इस प्रकार जो है अलग अलग ने अलग अलग दिए उनके डबल डबल दो दो नाम है तो ये काव्य शास्त्र के एक छोटी सी वीडियो बना के मैं थोड़े से उपनाम और जो ये कोशिश करूँगी आपके लिए प्रस्तुत करने की ताकि आपको काम आए एक का आधा परसेंट इसमें से कोई आ जाए तो देखते रहिए और उम्मीद है कि आज जो है ना हम सौ नंबर की मैं सीरीज़ लेके आई हूँ रोज़ तो पचास प्रश्नों की लेके आती हूँ आज सौ नंबर की ले आई तो ध्यान रखना आप इसको अच्छे से देखना और समझना समझने की कोशिश करना आपके बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकते हैं और उम्मीद है कि अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा नहीं करा तो जल्दी से करिए लाइक पे उंगली दबा दीजिए क्योंकि आप देखते देखते भूल जाते हो कि लाइक भी करना है अपने बंधु मित्रों तक भी ये बात पहुंचाइए और जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं जी आगे क्या है हमारा बेतरवा प्रश्न क्या कहता है सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए अब सूची एक को दो से मिलाएंगे हम कालीदास की रचना कौन सी है कालिदास को देखें हम इसको कर लेते हैं हम ऐसे थोड़ा छोटा हाँ जी देखते हैं अब कालिदास की रचना तो ऋतुसहारी है तो कालिदास को तो एक में ही मिला देंगे एक आए एक अब भवभूति की रचना जो है अभी अभी हम करके आए हैं पीछे तो कर्ण कौन सी है उत्तर राम चरितम है और उसके बाद दंडी की बात आती है सी दंडी की रचना जो है वो कौन सी है दस कुमार चरित यानी कि ये वाली आ जाती है हमारी तीन ही रचनाएँ हैं दंडी की उसके बाद आ जाती है हमारी बाण भट्ट की रचना बाण भट्ट की बात आती है तो हमारी पाँचवाँ कादम्बरी कूट आ जाएगा ये वाला आ जाएगा और छठा श्री हर्ष की रचना ये मुझे नहीं पता इनकी है क्या किसकी है श्रीहर्ष की तो बच जाता है ये हाँ इन्हीं की है बिल्कुल ये तो उसके बाद जो है ए ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा तो ये रहेगा हमारा ठीक है इस प्रकार मिलान करने वाले में अगर आपको दो तीन भी सही आती है तो एक आधी का अगर नहीं भी पता है तो वो आपकी चली जाती है उसके साथ तो ये ध्यान रखने की बात है उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं प्रश्न हम राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद क्या होगा राम दशरथ के पुत्र थे राम है थे से पुत्र आशित। राम दशरथ दशरथ पुत्र पुत्र राम राम ये दो नीचे वाले दोनों तो कौन से भी नहीं होगे राम दशरथ पुत्र आशित थे ये ए ऑप्शन आएगा इसका हमारा उसके बाद अगला देख लीजिए चेत्रवा ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुहेते का अनुवाद क्या होगा ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं है या ज्ञानियों के साथ वैर कब नहीं करना चाहिए ज्ञानी के साथ कभी भी कदापि नहीं मतलब कभी भी ज्ञानी के साथ कभी भी वैर नहीं करना चाहिए तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है सी ऑप्शन ही आएगा उसके बाद अगला देख लीजिए पिछहत्वा प्रश्न क्या कहता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है अपादान कारक है जब देखिए अपादान कारक क्या होता है जिसमें जुदाई का भाव होता है जुदाई का भाव क्या होता है कारक जो है हमारे क्या है कारक भी मैंने आपको समझाए थे एक वीडियो में इसमें अगर हम देखें तो कर्ता से लेके और संबोधन तक के योजक है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई का भाव और अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन है अरे ओ इस प्रकार के प्रयोग करके जो अन उनके योजक है तो पेड़ से पत्ते गिर रही हैं पत्ते क्या है पेड़ से अलग हो रहे हैं जहाँ अलगाव का भाव होता है जहाँ भी अलगाव होता है वहाँ क्या होता है अपादान कारक होता है तो इसका बी ऑप्शन आएगा उसके बाद थियतरवा प्रश्न देख लीजिए क्षेत्रवाँ प्रश्न क्या कहता है हमारा <coughs> मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने उसमें करवाया था और बड़े अच्छे से करवाया है बिल्कुल डिटेल से लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि हम जो है पाठ जो डिटेल से करवाए गए हैं उनको देखना पसंद नहीं करते हम तो सिर्फ प्रश्नोत्तर देख के यूँ सोचते हैं सारा कुछ हो गया लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कहूँगी भले ही मैंने समय की कमी के कारण जो है ना प्रश्नोत्तर सीरीज आपके लिए रखी है और उसमें ही समझाने की कोशिश की है लेकिन जब तक आप पूरी चीज डिटेल से नहीं पढ़ोगे जब तक बेसिक चीज आपको पता नहीं होगी लंबे समय तक उसको याद नहीं कर पाओगे ठीक है प्रश्नोत्तर देख ली एक बार आपने रट लोगे या किसी इतना याद कर लोगे और आपको यूं लगेगा हाँ ये कवर हो गया लेकिन जब तक आप उसके आधार विषय वस्तु नहीं पढ़ोगे और उसको ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपको वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएगी तो मिश्र बंधु विनोद जो है इनके दो भागों में मैंने उसमें भी बताया था आपको दो भागों में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास इनका तो इसमें जो ना एक में तीन पार्ट थे एक में एक पार्ट था तो यानी कि ये तीन भाई थे गणेश बिहारी मिश्र श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत ही जो ना चर्चित है और बहुत ही ज़्यादा वो उपयोग में आता है जब हम पठन पाठन करते हैं तो आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की थी हिंदी साहित्य का इतिहास उसका एक पाठ है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन इसमें प्रथम उत्थान की कालावधि पहला उत्थान कब हुआ उसकी कालावधि उन्होंने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक रखा ये विक्रमी संवत जो है वो और सन में स्तावन साल का फर्क होता है ये आप अगर सन में आ जाए तो स्तावन माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्तावन साल आगे चलता है विक्रमी संवत हमारा ये ध्यान देना है आपको उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है यदि हिंदी के प्रथम कवि की बात करें तो बहुत सारे हमारे आचार्यों ने हिंदी का प्रथम कवि सरह पाद को माना है ए सरह पाद आ जाएगा इसमें इनको कहा कि ये हिंदी का प्रथम कवि है इनकी जो रचनाएं थी वो हिंदी के ज़्यादा निकट है इनका काव्य तो इनको प्रथम कवि की संज्ञा दी गई है अब ये देखिए ये आरोही क्रम में चुनिए यानी कि पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा अगर आपने काव्य देखा है तो उसमें अलग अलग वाद जो हुए थे हमारे पहले कौन सा था यदि पहले बात करें तो रहस्यवाद की थी फिर छायावाद था फिर प्रगतिवाद था फिर प्रयोगवाद था फिर नई कविता थी इस प्रकार करके जो है ना धीरे धीरे बढ़ता चला गया आगे आगे नई कविता के फिर कई रूप आए शास्त्रोत्री कविता ऐसे ऐसे करके तो छायावाद और प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है रीतिकाल का समय क्या था ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है हम में से सबको पता है विक्रमी संवत सत्रह सौ से उन्नीस सौ तक क्योंकि सभी विद्वानों ने अधिकतर विद्वानों ने रीतिकाल के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया है भले ही दूसरे समय में तो परिवर्तन कर दिया उन्होंने उसके बाद अगला है सीमा हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था प्रारंभिक काल को वीर साहित्य को देखते हुए वीर गाथा काल नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने डबल डबल काल दिए डबल डबल नाम दिए थे आदि काल भी दिया था और वीर गाथा काल भी दिया था तो इसका ऑप्शन ये रहेगा उसके बाद अगला देख लीजिए अगला क्या है हमारा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचियता कौन है ये तो पृथ्वीराज के मित्र थे पहले भी आया था और इनका नाम क्या है हमारा चंद्रवरदाई जी है इनका नाम इसके अलावा जो था हेमचंद्र ने भी उस समय की रचनाएं कही हेमचंद्र के नाम भी भी है जो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं की थी और प्रमाण रासो के रचियेता कौन है परमाल रासो किसने लिखा था याद करिए हो सकता है याद आ जाए आपको उसके बाद जो जो है है ना ना अमीर खुसरो ने और इनकी तो ये ये शब्दानुशासन हेमचंद्र का यानी कि कुछ रचनाएं जोर जो हमें याद करनी ही करनी पड़ेगी उसके बाद अगला देख लीजिए अगला कौन सा है तिरासीवा प्रश्न विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की विद्यापति के कुल सोलह ग्रंथ ऐसे है जो प्रमाणिक मिलते हैं जिनकी रचना की थी देखिए चौरासीवें प्रश्न की बात करते हैं काव्य या श्रृंगार काव्य है चौरासी प्रश्न ये पूछा काव्य या श्रृंगार एक तो थोड़ा सा प्रश्न ही हमारा है अठपटा सा है लेकिन चलो ऑफ टीवी देख लेते हैं बिशल रासो प्रमाल रासो पृथ्वीराज रासो जयमयंक जसचंद्री का इनमें से कौन सा श्रृंगार काव्य है इसको ये देखिए काव्य या श्रृंगार काव्य है अब पहले की बात करें हम बिशल देव रासो नरपति नालय का है ये विशल देव रासो इसके जो है वो कौन से हैं नरपति नालय है इसके लेखक है अब ये जो है इसमें यह है एक विरह काव्य है विरह काव्य मतलब श्रृंगार का तो इस श्रेणी से देखा तो श्रृंगार काव्य कौन सा है बिशल देव रासो है तो इसका ऑप्शन ये रहेगा अब परमाल रासो को भी देख लेते हैं हम क्योंकि हमें याद करनी है ये ये बहुत बार पूछे जाते हैं परमाल रासो किसका है परमाल रासो किसका है ये परमाल रासो है जगनिक का ठीक है और परमाल रासो इसमें जगनिक जो है उसने वीर रस का परमाल रासो आल्लाउद्दल दो वीरों की कथा है इसमें तो ये बुंदेलखंड के दो वीर हुए हैं आज भी वो उगाई जाती है कहानी आल्लाउद्दल की परमाल रासो में आलाउदल की कहानी है और जगनिक का है ये वीर रस का है तो इसमें तो श्रृंगार है नहीं पृथ्वीराज रासो जो है ना वीर रस प्रधान है लेकिन इसमें श्रृंगार रस भी है लेकिन श्रृंगार रस प्रधान काव्य नहीं कहेंगे इसको भी वीर रस कहेंगे लड़ाई ज़्यादा है प्रेम भी है किसका पृथ्वीराज का और जो है ना उनकी प्रेमिका लगा लीजिए पत्नी लगा लीजिए उनका और जय मयंक जसचंद्री का इसमें भी जो है दोनों का प्रयोग हुआ है तो लेकिन अगर श्रृंगार की बात करें अब इसको भी श्रृंगार कह सकते हैं हम तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये डाउटफुल सा एक प्रश्न है लेकिन फिर भी हम विशल देवरासों को यहाँ पर श्रृंगार काव्य विरह काव्य है ये राजमेर के राजा का वर्णन है इसमें और किस प्रकार राजा रानी जो है वो राजा के विरह में तड़पती है और ये एक चार खंडों का महाकाव्य तो नहीं आता है चार खंडों का काव्य है 125 सौ छंद बताए गए हैं इसमें तो इस प्रकार इसका वर्णन है उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा प्रश्न पचास क्या कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है एक कथन है जो असत्य है कौन सा है ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार के ऊपर बिल्कुल ठीक है कबीर संत कवि ये भी ठीक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की ये भी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है कई बार पूछी जाती है रैदास की है संत तुलसीदास ज्ञानाश्री हाँ ये आ जाएगा और तो रामाश्री के शाखा के कवि थे वो संत तुलसीदास जो है वो ज्ञानाश्री के नहीं थे वो थे सगुण भक्त थे और रामाश्री शाखा के कवि थे तो ये गलत है उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए फिर सूची से मूलन वाला आ गया हमारा इसको भी देख लेते हैं हम क्या है छियासीवा प्रश्न सूरदास सूरदास की रचना का नाम क्या है सूर्यसागर है यानी कि इस पे लेके आएंगे हम कबीरदास की बीजक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव उद्धवस्तक है और सुमित्रंदन पंतन की लोहना, लोकायतन है तो इस प्रकार करके हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा विन्य पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और विन्य पत्रिका को क्या माना जाता है विन्य पत्रिका को माना जाता है कि तुलसीदास ने भगवान के घर अपना एक पत्र भेजा था, जो विनय भरा था और यह लिखा गया है कि इसमें ब्रिज भाषा में लिखा गया है बाकी तुलसीदास जी की भाषा अवधि है लेकिन इसमें जो है वो क्या है ब्रिज भाषा है तो ध्यान देना इसको ये इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका इसमें ही तो इनकी भक्ति का जो ना बिल्कुल नमूना दिखता है जिसको कहते हैं इनकी भक्ति दास्य है दास्य भक्ति का वर्णन किया है इन्होंने उसके बाद है नीमा किस कवि की माता का नाम था नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया किसका कबीर दास जी का कहते हैं कि तालाब में तरते हुए जा रहे थे और वो निस्संतान संपत्ति थे जो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उसको उठाया और पालन पोषण किया और उनका नाम था कबीर दास जी उसका बा, बाद है अगला देख लीजिए नवासीवां प्रश्न रामचरित में कुल कितने कांड है रामचरित में सात कांड है ये एक बार पहले भी बताए थे मैंने आपको बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक बालकांड पहला हो गया उसके बाद दूसरा है अयोध्या कांड और तीसरा जो है वो अरण्य कांड है चौथा है वो किसी कंधा कांड है पांचवा कांड सुंदर कांड है छठा कांड जो है वो लंका कांड है और सातवां कांड जो है वो उत्तरकांड है अब बाकी जो सारे कांड कांड मतलब खंड इसके जो ये कांड जो है इनके भागों को कांड करते हैं तो इसके जो सातवां उत्तर कांड जो है उसमें कोई यह नहीं है कि लव कुश की कहानी हो या कुछ ऐसा नहीं है उत्तरकांड में जो है ना भक्ति का वर्णन है कि भक्ति की नौ प्रकार की भक्ति होती है किस प्रकार की होती है का जी के और संत जनों के माध्यम से भक्ति के बारे में बताया तुलसीदास जी ने तो सात कांड है इस प्रकार रामचरित में है। उसके बाद अगला देख लीजिए नब्बेवा प्रश्न भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया यानी कि जड़िया कहा गया या भाषा का ब्रज भाषा का जड़िया भी कहते हैं इनको किसको कहा गया अब नंददास दास सूरदास चतुर्भुजदास नंददास जी थे जिनको भाषा का जड़िया ब्रज भाषा का जड़िया विशेषण की उपाधि से विभूषित किया गया नब्बेवा प्रश्न उसके बाद अगला देख लीजिए परमानंद दास सूरदास चतुर्घुद सारे ये अष्टछाप के कवि थे अष्टछाप की रचनाएं बहुत जो न कृष्ण से संबंधित है और आठ कवि थे ये चार तो विठलनाथ के थे और चार बल्भाचार्य के थे तो इस प्रकार आठ कवियों का वर्णन है वहाँ पे उसके बाद अगला अष्टाप के प्रमुख है ये आ गया अष छाप का प्रश्न भी अष छाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे अब नंददास जो थे वो विठ्ठलनाथ के शिष्य थे एक अणुवा प्रश्न हमारा किसका थे विठ्ठल जी के शिष्य थे नंददास उसके बाद अगला देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है बारणवा प्रश्न अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है यानी कि अखरावट किसकी रचना है ये हमने कई बार पढ़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये अखरावट किसकी है मलिक मोहम्मद मुह जाय, जायसी की है ये जिन्होंने पद्मावत लिखा है और ये प्रेमाश्री लेकिन अखरावट कुछ अलग है ये ध्यान देना कई बार पूछ लिया जाता है अखरावट जो है ना किस प्रकार की रचना है अखरावट क्या है एक शब्दकोश है ये ये ध्यान देना अखरावट उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है वैदा जो हमारी तुलसीदास जी की छब्बीस रचनाएं है, ऐसी हैं जिसको प्रमाणिक माना गया है वैसे उनकी छत्तीस रचनाएं हैं जो तुलसीदास की कही जाती है तो वैराग्य संदीपनी उन छब्बीस रचनाओं में से ही तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी ने लिखी थी इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है यानी कि केशव का ग्रंथ जो है वो रामचंद्री का कविप्रिया विज्ञान गीता ध्यान करना सारे याद रखने हैं हमने ये रामचंद्री का कुछ छंदों का जायब घर कहा गया विज्ञान गीता में जो है वो सारे हमारे जो काव्य के जो नियम वो किस प्रकार क्या क्या चीज़ होनी चाहिए क्या क्या वो सारा विस्तार पूर्वक कवि प्रिया में भी जो ना अलंकारों के बारे में बताया गया है भाषा भूषण उनकी रचना नहीं है भाषा भूषण किसकी है ये भूषण की रचना है उसके बाद अगला देख लीजिए देव कवि किस जिले के थे रीतिकालीन कवि आगे हमारे जिनका जिक्र आया है यहाँ मैनपुरी बनावस गोर ये कई बार पूछ लिया जाता है जैसे कि ये किसके थे या किसके दरबारी इस प्रकार की बातें पूछ ली जाती है तो हमें थोड़ा ध्यान करना है इटावा किस जिले के थे या इटावा जिले के थे डी ऑप्शन सही है इसका उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा गणानंद की कृतियाँ किस भाषा में है आपको पता रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर किसमें लिखा था ब्रज भाषा में ही लिखा था तो घनानंद की जो है ब्रज भाषा में रचित है घनानंद आलमबोधा ठाकुर ये जो है वो क्या थे ये मुक्त कवि थे हमारे उसके बाद है बिहारी की सच्सई में कितने दोहे हैं अब देखिए बिहारी की सतसई में दोों की संख्या पूछगी पाँच सौ नहीं सतसई का मतलब तो सात सौ होते हैं अब सात सौ से ऊपर कितने हैं पाँच सौ तो बिल्कुल सात सौ अठारह सात सौ उन्नीस सात अब जो है ना मैंने तो अभी तक जितना पढ़ा है बिहारी की सतसई में सात सौ सात सौ तेरह दोहे पढ़े हैं लेकिन यहाँ जो है कुछ एक ग्रंथ जो बिहारी सतसई में बताते हैं वो सात सौ उन्नीस बताते हैं कुछ आलोचक तो इनके अनुसार तो अगर ठीक करें तो सात सौ उन्नीस होगा वैसे मैंने सात सौ तेरह ही पढ़े हैं अभी तक जितनी बार भी पढ़े हैं सात सौ तेरह दो हैं बिहारी सतसई में उसके बाद अगला देख लीजिए अठानवे प्रश्न सुख सागर की रचना किसने की थी ये जो ना हमारा क्या था अठारह सौ सन में किसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की और जो उनके संस्थापक थे या वहाँ पढ़ाने वाले थे उन्होंने खड़ी बोली के विकास में और उसको साहित्यिक रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें इन तीनों चारों का नाम है और ये सुख सागर की रचना करने वाले मुंशी सदासुख लाल जी थे डी ऑप्शन आएगा इसका बिल्कुल सही है उसके बाद इनकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार थी कुछ इस प्रकार का भी ये जो वाला चैप्टर है ना मैंने भाषा के विकास इनकी की बात है और अठारह सौ की स्थापना किसने की थी कब हुई थी क्या हुआ था क्या उनका योगदान था और किसके आग्रह पर किसने लिखना शुरू किया ये इस तरह की सारी बातें मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है जो भाषा का विकास का जो बनाया हुआ है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो आपको काफ़ी लाभ होगा अगर आपको समय मिले तो अन्यथा जितना ज़्यादा हो सके आप उतना करिए आगे बढ़िए उम्मीद है कि अभी तक आपने लाइक और शेयर अवश्य कर दिया होगा बार बार मुझे कहना पड़ता है आपको याद दिलाना पड़ता है पढ़ने में आप इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये ही जाते हैं रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है जगन्नाथ दास रत्नाकर यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ रत्नाकर शब्द जुड़ा हुआ है जो आधुनिक काव्य के पहले कवि ऐसे हैं जो आधुनिक इसमें कि वो ब्रज भाषा में लिखा उन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ ये भी बात जुड़ी हुई है उसके बाद अगला प्रश्न आता हमारा सोवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम शिव शंभु के चिट्ठे लेखक बालमुकुंद गुप्त बालकृष्ण गुप्त नहीं है बाल मुकुंद गुप्त है। इसका ये ऑप्शन रहेगा ग्यारहवीं में भी इनका पाठ है एक कौन सा पाठ है विदाई संभाषण लाड कर्जन के बारे में बहुत ही वहाँ भी शिव शंभु की बात की है इन्होंने बहुत ही प्रिय पात्र था इनका एक काल्पनिक पात्र है शिव शंभु और उनका जिक्र अक्सर वो अपने निबंधों में कर देते हैं और लिख ही देते हैं बाल मुकुंद गुप्त ने बहुत सारे लगभग हजार के करीब निबंध लिखे इन्होंने शिव शंभु के चिट्ठे उनका प्रिय विषय रहा है तो यह जो है वो बाल मुकुंद गुप्त का है संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे तो इस प्रकार हमारा ये सौ प्रश्नोत्तरी की सीरीज पूरी हुई है उम्मीद है कि आपको इससे लाभ हुआ होगा और आपने भी साथ साथ की होगी और आपको बड़ा मजा आया होगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद